हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने किस तरीके से एक एलईडी के बैकलाइट को यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मेरे पास एक सेट आया था जिसमें एक बैकलाइट लगी हुई थी, जिसमें 3 वोल्ट की 11 LED लगी हुई थी। काउंट करेंगे, देखो काउंटिंग ये टोटल 11 LED लगी हुई थी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि टोटल 11 LED की स्ट्रिप थी, 3 वोल्ट की थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी लंबी भी थी और ऐसी मार्केट में नाम मिलने की वजह से हमने ऐसे इसमें क्या जुगाड़ किया कि हमारा सेट बिल्कुल ओके कंडीशन में आए और इसकी लोडिंग पर भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो दोस्तों, एक स्ट्रिप में कितने 11 बल्ब थे और 4 स्ट्रिप हमारे इसमें लगी हुई थी, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो 11 चौक 44 होते हैं और हमने जो इसमें बैक लाइट लगाई है वो हमारी 10 की है और 4 स्ट्रिप लगी हुई हैं, 4 × 40। और एक हमने एक्स्ट्रा LED लगाई, यहाँ पर देख पा रहे हो आप साइड में कोर में 4 LED लगी हुई हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, बात बराबर ही पड़ती है दोस्तों, 11 चौक 44, यानी कि वोल्टेज जो हमारा टोटल 132 होने चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो दोस्तों, मार्केट में ऐसी बैकलाइट नहीं मिली है, तो हमें घबराना नहीं है, दिमाग से काम करना है, इस तरीके से जुगाड़ लगाना है कि LED हमारे बिल्कुल प्रॉपर काम करें। ठीक है, तो हमने ड्रिलिंग करके अच्छे से काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट को यहाँ पर पैक कर लिया और उसके बाद हमने लोड देके उसको चला के भी देखा है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमने इसको ऑन करके रखा हुआ है। यही मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का, मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इतने आसान तरीके से हमने इसको कि बिल्कुल ठीक तरीके से रिपेयर कर लिया है। ठीक है, और दोस्तों, मुझको यकीन भी है कि इस तरीके से यूट्यूब पर किसी ने ऐसे वीडियो बनाकर नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इस तरीके से काम करना है, साफ सफाई से आप देख पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर वीडियो अच्छी नहीं बना पा रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप जिम्मेदारी लेता हूँ, जो आपका काम है मैं उसको अपना काम समझूँगा और फुल जो आप कमेंट करोगे मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, आप सभी के प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल पर, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मैं इसमें बता देता हूँ, वीडियो कौन का सेट था, 43 इंची का। काफ़ी सेट आते हैं जिसकी बैकलाइट सेम हमको मार्केट में नहीं मिल पाती है, हम मार्केट में उपलब्ध नहीं कर पाते, तो इस तरीके से काम करना है बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बिल्कुल जो हमारा सेट है बिल्कुल ओके कंडीशन में हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, सपोर्ट करो, आप सभी के प्यार की जरूरत है इस चैनल पर, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं या जो भाई हमारे दोस्त सीखना चाहते हैं वीडियो से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट।